अब देख लीजिएगा कल लाइटिंग सेटअप को आपकी अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बारे में जरा डिटेल दीजिएगा। ये बस यहाँ से भुवनेश्वर से कलकत्ता। दोस्तों अब बारी है स्लीपर को देखने का। हेलो फ्रेंड्स, आर्य न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं भुवनेश्वर से कलकत्ता जाने वाली एक बस के बारे में दोस्तों। और इस बस का इसका बॉडी में अगर देखेंगे तो लाइफलाइन लिखा हुआ है, उसके बाद यहां पे बिल्कुल इस बस का नाम है। तो दोस्तों इससे ये जो बस है ये रात को जाती है दोस्तों, नहीं कि शाम को जाती है, और डे में नहीं है, ये नाइट में है। तो आप अगर नाइट में सफ़र करना चाहते हो तो इस बस में जा सकते हो। और बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर से कैसा लगेगा वो तो नहीं पता, अभी उसके अंदर जाऊंगा तभी पता चलेगा। तो आप वीडियो में बने रहेगा, मैं इसके अंदर जाता हूं और मैं आपको फिर दिखाता हूं दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे, चले वीडियो को शुरू करता हूं। इस बस का ड्राइवर केबिन कुछ इस तरह से है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं ड्राइवर केबिन, यहाँ पे सारे स्विचेस। अब जो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नीचे का व्यू को, यानी कि नीचे मैट जो बिछाया हुआ है उसके वहीं पे जो लाइटिंग सेटअप है उसको मैं दिखा रहा हूँ। और उसको देखिए कितना खूबसूरत लग रही है। और ये जब अंधेरा हो जाएगी तो दोस्तों और थोड़ा ये उभर के आती है ये लाइट, जो और थोड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। और जो जो सफ़र कर चुके हैं इस बस में कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों, और आपका फीडबैक बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पे एंड में जो आपको यहाँ पे चौड़ा चौड़ा सीट मिल जाती है, ये चार सीट आपको मिलती है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे बस की ब्रांडिंग दिया गया है दोस्तों। और अब देख लीजिएगा खाली लाइटिंग सेटअप को आपकी अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्पीकर, फिर ब्रांडिंग और स्लीपर का वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एसी इंस्टॉल किया गया है और इस बस में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि क्लीन भी है, कटन सब भी बढ़िया लग रहा है। और बाहर से जैसा अच्छा लग रहा था अंदर भी वैसे ही अच्छा है दोस्तों। दोस्तों आप देख लीजिए इस बस के अंदर काफी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इस बस के अंदर जब आओगे तो मजा आता है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा येलो येलो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी तक जो वीडियो किया हूँ कोलकाता के लिए उससे तो मुझे ये वाला बस काफी नया लग रहा है और अच्छा लग रहा है। सारे बस अच्छा ही है दोस्तों, लेकिन आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये नाइट को चलती है ये बस, और इसका कटन कुछ इस तरह से काफी मस्त है। अब देख लीजिएगा दोस्तों इस बस का सीट को, और इस बस के सीट में आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, काफी साफ सुथरा, काफी बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों इसमें 1/2 का सीट मिल जाती है और स्लीपर भी 1/2 का मिलती है दोस्तों, जो मैं आपको थोड़ी देर में नज़दीक से दिखाने वाला हूं। और उसका क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा सारे फैसिलिटीज़, लेकिन किसी में मोबाइल चार्जिंग करने का मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के जरिए से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अभी देखिए ये सिंगल सीट को मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये पुशबैक वाली सीट है दोस्तों। और ये सीट का कंफर्ट को देख लीजिए, कुछ इस ऐसा है, काफ़ी अच्छा है। ये भी चौड़े वाली सीट है। और इसका फ्रंट साइड को दिखाऊं तो फ्रंट साइड भी अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और ये स्पेस देख लीजिएगा और ये भी बताइएगा दोस्तों। उसके बाद इसका यहाँ पे लाइट जलता है, अभी जला नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सीट नंबर दिया हुआ है। उसके बाद इसको ऊपर का व्यू अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे जैसा हर बस में मिलती है रनिंग लाइट, एसी बैंड, और यहाँ पे यूएसबी पॉइंट, जो अलग अलग यहाँ पे दो यूएसबी पॉइंट दिया गया है दोस्तों।
तो यहाँ पे आराम से अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हो। तो बहुत ही पसीना आ रहा है और इसी बात पे दोस्तों लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके भाई आपकी जानकारी के लिए दोस्तों ये बस का वीडियो शूट कर रहा है। और दोस्तों इसीलिए आपको लाइक तो करने बनता है, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप देख लीजिएगा कितना पसीना चू रहा है, क्योंकि अभी बस खड़ी है इसलिए एसी नहीं चलाया गया है। जब चलेगी तब एसी चलती है, तब ये पूरी ठंडा हो जाती है दोस्तों। लेकिन हमें तो वीडियो शूट करना है, इसी वजह से काम तो काम होती है गर्मी में या ठंडा में, ठीक है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा ये व्यू कैसा लगा, आपको कमेंट करके जरूर से बताइएगा। दोस्तों इसका डबल सीट को देख लीजिएगा दोस्तों, और बाकी सारे जितने भी फैसिलिटीज तो सेम ही मिलती है, बस इसका सीट को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बाकी जैसा सिंगल सीट में दिखाया वैसा इसमें भी मिलती है दोस्तों। दोस्तों अब बारी है स्लीपर को देखने का, और स्लीपर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस बस में स्लीपर आपको कैसा मिलती है 2x1। तो बने रहे वीडियो में दोस्तों। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डबल स्लीपर है दोस्तों, और ये देख लीजिएगा डबल स्लीपर। नजदीक से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा लगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें भी इनबिल्ट तकिया मिलती है, और इस साइड में अगर देखेंगे तो वहाँ पे एसी वेंट, रीडिंग लाइट है, वो सब कुछ मिल जाती है दोस्तों, और यूएसबी पॉइंट मिलती है। इधर देख लीजिएगा ये दो कटन है जो कि इसको लगा सकते हो आराम से, और उस साइड में सू रखने वाली चीज। दोस्तों यहाँ पे स्टॉप करने का बटन है, यानी कि अगर आपको बाहर आना है तो आप रात को इसको प्रेस कर सकते हो और वहाँ पे रुकेगा गाड़ी। दोस्तों यहाँ पे जो है इस बस में ग्लास ब्रेकर भी मिल जाती है, और इमरजेंसी में ये काम आता है दोस्तों। तो इस यहाँ पे एक मिलती है, उसके बाद और बीच बीच में होगी शायद, तो इस साइड में देख लीजिएगा, इस साइड में भी एक है दोस्तों। नमस्ते सर, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। सर इस बस के बारे में बताइए, ये बस कहाँ से कहाँ जाती है और कितना टाइम ये खुलती है यहाँ से भुवनेश्वर से, उसके बारे में जरा डिटेल दीजिएगा। ये बस यहाँ से भुवनेश्वर से कलकत्ता जी, कलकत्ता से फिर भुवनेश्वर आती है, यहाँ से निकलती है शाम रात 8 बजे और पहुँचती है सुबह 6 बजे। अच्छा, फिर वहाँ से रात के 8 बजे निकलती है, यहाँ सुबह 6 बजे पहुँच जाती है। जी जी। और 1x2 सीट है इसका, एक तरफ 1x1 स्लीपर 1x सीट है, दूसरी तरफ 2x2 सीट है और 2x2 स्लीपर है। स्लीपर है, टोटल 49 सीट्स। अच्छा जी, टोटल मिला के 49। अच्छा जी। और सर इस बस का बुकिंग कैसे होती है, ऑनलाइन होती है? भी होती है, बस करेंट भी होती है, फोन में भी होती है। अच्छा जी, सब तरीका है। जी जी जी। और सर इस बस में सफर करने के बाद या मतलब यहाँ से छोड़ने के बाद कहाँ पे वैसा रुकता है कुछ खाने वाने के लिए? की कुछ स्टॉपेज 2-4 है। अच्छा, बीच में खाने के लिए रुकता पानी कोली में 10:30 बजे। अच्छा जी। फिर उसके बाद में रास्ता में पेशाब के लिए, फिर स्टॉपेज में रुकते। और सर इस बस का रूट जरा बताइएगा, कौन सी रूट होके जाती है ये? ये आपको भुवनेश्वर, कटक, बालेश्वर, भद्रक, बालेश्वर होके सीधा निकल जाएगा खन्नाथ होके देवरा, मच्छोग्राम, कलकत्ता। अच्छा अच्छा। तो सर ये बस खड़गपुर नहीं घुसती है? खड़गपुर नहीं, खड़गपुर बाईपास में जाती है। हाँ, बाईपास में जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर इस बस में क्या क्या ऐसा फैसिलिटीज है उसके बारे में जरा बताइएगा। ये 1x2 है, एसी है, उसके बाद पीछे आगे का सस्पेंसर गाड़ी है। अच्छा। ये लेने की दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, जर्क बहुत कम होगा। पैसेंजर ओके। हाँ ओके, थैंक यू सर। और इस साइड से अगर देखोगे तो एक बार फिर से ये देख लीजिएगा, ऐसा लगता है ये बस। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का ये पेंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक आप शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बढ़िया सर। ओके, बाय बाय।